बीजेपी ने पूर्व मंत्री अनिल जोशी को भेजा नोटिस, किसानों के हक में दिया था पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ने बयान। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अनिल जोशी को नोटिस जारी किया गया है और पूछा गया है कि आखिरकार उनके द्वारा क्यों पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। इसके बाद अनिल जोशी ने बयान दिया कि उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए बयान दिए हैं और उल्टा उन्हें ही नोटिस जारी कर दिया गया, बल्कि अश्वनी शर्मा को और उनकी टीम को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अमृतसर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट, लाइव भारत। सवाल पूछ लो। देखो, मैं तो पार्टी को बचाने की गल की है, पर इन्होंने नोटिस लिखा वा तू पार्टी दी नीतियां के खिलाफ, केंद्र ते पंजाब के खिलाफ गल की है। पर मैं अज भी ये कहना चाहना कि मैं 37 साल इस संगठन के पार्टी में खून पसीना लाया। मैं कभी गोलियां की परवाह नहीं की। मेरे भरा ते गोलियां चलियां पार्टी का काम करदे आ। मेरी गड्डी सड़ी, मेरे 10 साथियों के गोली लगी, उन्होंने शर्रे लगे डबल बैरल दे। मैं उस वेले भी डटिया रहा, तो मैं उस तो पहला मेरे फादर शहीद होए अत्तवाद के संगठन का काम करद, मैं उदों भी डटिया रहा। तो मैं पार्टी वास्ते खून पसीना लाया, इस करके मैनू पार्टी का पार्टी के वर्कर का दर्द सी। मैं बहुत लंबा समा अंदर गल करन दी कोशिश की। मैं बहुत लंबा समा इन्हां नू कहिंदा रहा भी 23 MLA जिहड़े इलैक्शन लड़दे आ ग्राउंडड लोग हुंदे आ, उन्हां नू बुला के सारयां दी एक वारी फीडबैक ते लै लो की सोचदे आ इहदे बारे। इन्हां ने बिल्कुल अज तक नहीं बुलाया, इन्हां ने कदी सलाह लैण दी कोशिश नहीं की। सानू भी लोग अक्सर नू पुछदे आ, जो पंजाब का टैंपरामेंट है ये दिल्ली रखने वास्ते, दिल्ली सही गल रखण च नाकाम होए आ, ये पार्टी वर्कर की इज्जत माण बचाउण दे विच नाकाम होई है। ये टीम अश्विनी शर्मा ते इहदे नाल दे साथी जिहड़े आ इहदे हुंदिआं इहनां दा जनरल सैकटरी चल गया छड्ड के, बहुत सारे होर वर्कर छड्ड के पार्टी चले गए। ये उहनां नूं पार्टी नूं बचाउण च नाकाम होए आ, ते ये पार्टी गलत चल गई इहनां दे टाइम दे उत्ते। ते अज दी डेट दे विच वी पार्टी दा उही हाल हो रिहा, वर्कर बाहर नहीं निकल पा रहा। आप सिक्योरिटियां मंगदे पए दिल्लीओं, गवर्नर साहब को जाके सिक्योरिटी मंगदे आ, कदी टाइम मंगदे आ कैप्टन साहब को सानूं बचाओ। ये किसी चीज़ की लोड़ नहीं गी, सिर्फ गल करन दी लोड़ आ पंजाब दी, पंजाब दे किसानां दी, पंजाब दे व्यापारियों की, पंजाब दे शैलर मालकां दी, आड़तियां दी, छोटे जिहड़े दुकानदार आ उन्हां दी, क्योंकि कोविड दे विच वी 1.5 साल जो हाल होया, तेल दा इन्ना महंगाई होगी, दूजा खाण वाली चीज़ां दी इन्नी महंगाई है। हर गल स्टैंड लै के केंद्र नाल करन दी लोड़ सी, क्योंकि तुहानूं मुखी बनाया सी पंजाब दा पार्टी दा, तुसीं इहदे संरक्षक सी पंजाब दे, ते तुसीं एक वरी भी दिल्ली जाके हिम्मत दे नाल गल नहीं कर पाए, पंजाब दे वर्कर दी व्यथा नहीं दस पाए। इस करके रिजाइन तो तुहानू देना चाहिए, नोटिस तो ही मैं दिंदे पै जे। मैं तो पंजाब दी इस पूरी टीम दा रिजाइन मंगदा, ना कि नोटिस मैनू देण। मैं पार्टी नू बचाउण दी गल करदा पिया। अज भी जे समझ जाण पंजाब दे किसानां नाल, वेखो कांग्रेस ने, आम पार्टी, अकालियां, सब ने सपोर्ट दित्ती। आम एसोसीएशन भावें व्यापारक मजदूर होण, सब ने सपोर्ट दित्ती किसानां नू। सानू सपोर्ट देने दे विच की हर्ज आ? सानू भी कहना चाहिए असी तुहाडा मसला हल करावांगे, असी तुहानू लैके चलांगे। जे ये सिंसीयर होंदे ते पंजाब दे विच बहुत छोटी डिमांड सी उन्हां दी। पंजाब दे सिर्फ वो चाहुंदे सी भी सानू SDM दी बजाए कोर्ट दा जिहड़ा वा वो अधिकार दे दो जान दा, ते MSP दी गरंटी दे दो। पंजाब दे विच 100% MSP आउंदी आ, कणक दी भी 100% खरीद आ, झोने दी भी 100% सरकारी खरीद आ। इस करके इत्थे ते एक मिनट च मसला हल होना सी, पर ये सिंसैरिटी दे नाल इन्हां ने लोगों का टैंपरामेंट देखिया नहीं, भापिया नहीं। इन्होंने एक वरी गल कराउण दी कोशिश नहीं उदों कीती, ते उदों यही फीडबैक गलत दिंदे रहे। किसान पंजाब बहुत खुश है जी, सारे कानूनों तो बहुत खुश आ। ये चंद नक्सलाइट बैठे आ, कोई बैठे आ अपना कामरेड बैठे आ, इहो कुछ कहिंदे रहे आ। इहदे करके ये हौली हौली दिल्ली चले गया, पूरा देश व्यापी बन गया, पूरी दुनिया के प्रदर्शन होए, जिहदे नाल पार्टी की किरकिरी कराउण दे जिम्मेवार ते असली ये आ। इन्हां नूं रिजाइन करना चाहिए, बजाय मेरे अर्गे खून पसीना करन वाले एडे पुराने कार्यकर्ता नूं जिन्हें जान की कभी परवाह नहीं की, पार्टी का झंडा चुकया, पार्टी के वर्कर वास्ते लड़ाई लड़ी। अज भी पूरे पंजाब दे विच कार्यकर्ता जिथे भी BJP का बैठा, कभी मेरे को मंत्री हुंदे MLA हुंदे आया होगा, मैं उन्हूं हिक दे नाल लाया, उहदी इज्जत की, उहदा काम किया, उहनूं संभाल के रखण की कोशिश की है। ये तो हाल भी नहीं पुछदे जदों उन्हां नूं कुट पैंदी है बेचारियां नूं, ये फोन तक नहीं करते। इस करके पीड़ा मैं जिहड़ी आ ये फिर हार के जदों नहीं सुनी, ये ओपन कही आ, इन्हां नूं इस गल की तकलीफ है। बहुत देर तो मैनूं अपने रस्ते चों हटाउण की कोशिश करते पे से, हुण इन्हां नूं होर बहाना मिल गया वा।
दिल्ली रोज़ मेरिया झूठ सच बोलते हैं, असली गल नहीं दसते भी वो पार्टी की तो पंजाब के हित की गल करता पाया। नोटिस मेरे को नोटिस तो लिखा ही है भी आप वालों केंद्र सरकार पार्टी की केंद्रीय सूबा लीडरशिप और पार्टी दीतियां खिलाफ लगातार ये नीतियां ये है भी मतलब पार्टी खत्म कर दी है अपना ये पंजाब के लोग जी गल करते हैं। मैं कानूनों के खिलाफ तो एक गल नहीं की, मैं तो हमेशा कहा भी कोई भी सरकार एहो जे कानून कभी नहीं बनाऊँगी जिस वर्ग या कम्यूनिटी वास्ते बनाए हो नुकसान हो जाए ज कोई बेड़ा गर्क हो जाए। हमेशा कानून चंगे वास्ते लोगों के भले वास्ते बनाए जाते हैं, पर जो कंट्रवर्सी आ जाए जो लागू हो लोगों नहीं समझ आ नहीं समझा पाइए असी तो जे कंट्रवर्सी आ जाए तो उसके वास्ते देशों के झगड़े खत्म हो सकते हैं, तो ये नहीं खत्म हो सकता। ये डेडलॉक क्यों है इन्ना चिर डेडलॉक, मैं तो इन्हों यही कहा तुहानू समय सिर जिहड़ा जो पंजाब सीगा उदों विच इंटरवीन कर दे ते मसला इत्थे ही हल हो जाना सी, इन्ना बिगड़ना ही नहीं सी, इन्ना ताकतवर अंदोलन बनना ही नहीं सी, पर इन्हों ये समझ नहीं आई इस करके ये जो मर्जी कही जाण मैं खिलाफ बोलता पाया। मैं तो पार्टी के हक च पार्टी के कार्यकर्ता के हक च उन्हां दी इज्जत मान की राखी वास्ते ही बोलता पाया जिहड़े ये नाकाम होए आ। नोटिस का जवाब कुछ तो मैं देता, बाकी अखर बखर लिख के दूंगा। मैं तो इन्हां नूं पुछूंगा तो यह दसो तुम ये फेल नहीं हो, मैं दसो एक बारी भी मैं कानूनों क्या हो कानून माड़े आ। मैं यही कहा वा भी कानून जो लागू होंगे जो मुश्किल आती है अमेंडमेंट भी होंगे वा तो किसी तरह भी किसी लैवल पर भी बहा के किसानों उन्होंने प्यार सुहार दे नाल इस गल नूं हल किया जाए। मैं तो यही कहता रहा तो पंजाब यूनिट नूं किसानां दे नाल खड़े होना चाहिए ता कि आ जिहड़ी कुटमार जां बेइज्जती जां सोशल बाइकाट साडे वर्कर दा हो रहा वो ना होवे, ये किहड़ी माड़ी गल है मैनूं तुसीं दस दो। चलो इन्हों तो मैं बॉदर नहीं करता, गलिया के लीडर जोड़े होंगे मेरा पंजाब का देश की गल करता पाया वा, ये गलिया वाले लोग जोड़े आ जो भाषा बोलते पे मैं इन्हों की सुनी नहीं कभी। मैं एक बार इन्हों की कोई इंटरव्यू बाइड नहीं आँदी है तो मैं अगे कर दिना या डिलीट कर दिना क्योंकि मैं अपनी एनर्जी इन्हों वेस्ट नहीं करना चाहता। इन्हों ने जोड़े अमृतसर के व्डे लीडर भी जोड़े आ जिन्हों प्रसाद मिले व्डे व्डे राज्यसभा भी पंजाब प्रधानगियां मिलिया इन्होंने तो मेरी इलैक्शन कांग्रेस को वोटा पाइया तो मैं हराने का पूरा जोड़ा जोर लाया। एज पार्टी भगत बनते हो गए बगले भगत बन के तो पार्टी भगती नहीं होंगी, पार्टी वास्ते लड़ाई लड़नी पैंती है तो ईमानदारी ना गल जी वो रखनी पैंती है, वर्कर की हक की गल हित की गल जी वास्ते स्टैंड लैना पैंता। जेडे ये डरते ही नहीं गल लेंगे भी साड़ी जी सू प्रसाद मिले कि खुश ना जा डरते मेरे को मैं अगे डरते मैं जरा अगों हटाने की कोशिश करते पे। देखो ये तो हूँ कोई समय के गर्भ होंगे बहुत सारे सवाल हैं उस समय से ही मिलते हैं मैं देखो इलैक्शन लड़ना भी जरूरी नहीं था। मैं बहुत लंबा पॉलिटिक्स कर लिया, मैं बहुत काम करके प्रूव करके दिखाता इतने किन्ने किन्ने प्रूव करके दिखाया और दसो अज मेरे तो पहला 10 साल मेरे MLA ते मिनिस्टर तो पहला जाओ पूरे अमृतसर पूछ लियो किसी मंत्री MLA नूं काम करते किसी ने वेख्या ही जां हुण 5 साल हो गए नवीं सरकार बनी नूं 4.5 साल हुण किसी नूं काम करदे नूं वेख्या अज भी याद करदे आ। ये इतिहास आ, ये मील का पत्थर आ, एक ऐसी लाइन खिंचती है काम की जिन्हों क्रॉस करना हर हर कदे वस का रोग नहीं गा। एक मेरी लाइन जी है ना उन्हों अपने काम ना दे नाल जी छुट्टी नहीं कर सकते भी अपनी वड्डी खिंच दे मेरी छुट्टी हो जाए तो सनवाड़ जाए, ये मिटाने की कोशिश करते पे आ। इस जी इन का जो है ना होना आने वाले समय तो ही वेख लो इन्हों का। हाँ जी नहीं तो पंजाब वालों भी आया तुम दसिया जे उन्होंने लीडर वालों उन्होंने लैटर पैड दिया जिन्होंने कभी बूथ से बह के नहीं बूथ नहीं जताया होना। इस करके मैं दुख तो यही है भी इस वे पार्टी पंजाब की लीडरशिप वो आ जिन्हों एक मंडल प्रधान या बूथ का इंचार्ज जोड़ा जितया हो भी मनन में राजी नहीं गया भी इन्होंने तो कभी बूथ नहीं जितया मैं तो बूथ जितता वा। इस करके चलो ठीक है जो इन्होंने उस तरह जिन्हों आते हैं ना हाथ आया वजह का मर्जी गल साजिश तो बहुत देर की करते पे आ पर रब जरा वा ना वो बड़ा बेनते हैं परमात्मा जरा वा उन्हें किसी मारे कोई बंदा नहीं किसी मार सकता। हाँ जी मैं सोचता कुछ नहीं मैं कर्म करना तो कर्म जरा ना उही प्रधान है कृष्ण महाराज ने कहा तू कर्म कर बाकी मेरे से छड़ वो आपे वेखूगा।
देखो मैं तुम दस्या ना, मैं कर्म जो करता पाया, पार्टी खेत करता पाया, इन्हों का पहला वेखा की फैसला करते हैं। मैं तो अज भी आना भी जे मेरी गल मन लैन तो सारी पार्टी बचेगी, सारी पार्टी इलैक्शन लड़ूगी। तो जे ये अज मेरी मन के गल किसी मसले को कित हल कर देंगे है तो मैं इन्होंने को माफ़ी मांग लूँगा भी मैं जो गल कही ही, मैंने जो तुम लगी कोई माफ़ी दे दो, पर पार्टी बचा लो। एडामेंट हो के माड़ी भाषा किसानों के खिलाफ बोल के ये मसला हल नहीं होना। तो जितना ये गल करते हैं इतना नहीं है, नेड़े लिया पैंता, प्रेम प्यार करना पैंता, जिदा गल करनी हो ते ए उस मेरा ख्याल मत च है नहीं गे। बाकी इन्हों समा दसू है भी कोई नहीं है, है भी कोई नहीं गा, लोग दसन गए कौन है भी है। देखो हले बड़ा लंबा समा जी, हाले तो जरा जो संघर्ष चलता पाया ही चलूगा। 2022 जरा वा लोग जिन्होंने चाहे उन्होंने लड़ाने जिताओगे, लोग दसते हैं कौन कैंडीडेट होना चाहिए। धन्यवाद।